प्रॉमिसिंग although हमें पता नहीं चला कि थोड़े से इसमें पता चला थोड़ा बहुत कि आप किस तरीके का किरदार उसमें निभाने वाली है. लेकिन आप बताइए कितना स्पेशल रहा आपके लिए कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज बहुत ही अलग कैरेक्टर है. जी बिल्कुल अलग कैरेक्टर एंड देयर इज अ रीजन शी इज अ सरप्राइज इन द वेब एंड सो आई कांट रियली टॉक मच अबाउट इट. लेकिन आई एम सुपर्बली थ्रिल्ड अबाउट इट और स्पेशली इसलिए ना सिर्फ कि रोल बहुत अच्छा है बल्कि इसलिए कि 7 साल के बाद मैं दोबारा नीरज के साथ काम कर रही हूँ और मेरे बहुत ही पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक. एंड स्पेशल 26 को भी बहुत ज़्यादा, 26 को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला था. जी अब इससे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको, क्योंकि यू नो स्पेशल भी यू नो उतना ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है. हाँ बट बिल्कुल अलग रोल्स हैं. When something is titled special, it has to be special, yeah. So it is very special for me. और इसमें मज़ा यह है कि मैं जब when I think about shooting for this, there's always a big smile on my face because ये एक ऐसा project था जहाँ पर ना मैंने role पूछा ना मैंने कहानी पूछी. नीरज जस्ट कॉल एंड सेड देयर समथिंग नाइस फॉर यू, आई सेड आई एम कमिंग. बिकॉज वो जहाँ आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि द डायरेक्टर नोज व्हाट ही इज गेटिंग फॉर यू, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती. आप सिर्फ उस डायरेक्टर को एज अ पेरेंट फॉलो करते हो एंड बिकम अ चाइल्ड. सो इट वॉज ग्रेट टू बी अ चाइल्ड ऑन द सेट. जी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा बाबा, क्योंकि मैंने हर तरह की फिल्में की उनमें से बहुत सारी ऑनसॉम्बल रही हैं, तो ऐसे तो घूमने का बहुत तरीका है. इजारा कर सकती हूँ तो फिर, और उसमें से आज तक याद रखी जा सकती हूँ, तो फिर वो एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल घूम जाऊँगी. लेकिन पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर वीर ज़ारा. तो आई थिंक आप जितने मर्ज़ी लोगों में हो, कहानी अगर अच्छी है, आपका रोल अच्छा और आपने उसे बड़े दिल से निभाया, तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप देखें. अगर आप ही दिखेंगे तो कहानी कहाँ होगी. थैंक यू. आपने स्लीपिंग पार्टनर देखी, आपने शीर कौरमा का ट्रेलर देखा, गुड गुड. अभी बात करो. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको, तो कोई स्पेशल कनेक्शन है सोशल इससे प्लेटफॉर्म से? कुछ नहीं, यहाँ लोग प्यार करते हैं, इट्स गुड. यही कनेक्ट बन जाता है व्हेन पीपल लाइक यू, दे अप्रिशिएट यू, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनका आप जवाब देते हैं. थैंकफुली आई एम नॉट ट्रोल्ड दैट मच, सो आई फील नाइस अबाउट इट. ट्रोल मैम, डरती तो मैं लाइफ में किसी से नहीं हूँ यार, पंजाब में हूँ. लेकिन खामखा की बैड न्यूज़ नहीं चाहिए ना. जिन लोगों को आप जानते भी नहीं, वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, इतनी अटेंशन टाइम क्यों दें किसी को, वो अपने पे बताएंगे ना वो टाइम. ओके दिव्या, जैसे कि हर एक पिक्चर एक दिल में एक यू नो एक याद छोड़ जाती है, तो इससे रिलेटेड कोई एक याद जो आपको हमेशा याद रहे शूट करने के टाइम पे, ऐसा कुछ याद रहो आपको? मुझे याद है कि इतने सीरियस सीन मैंने सारे हंसते हंसते किए हैं ऑफ द सेट, बहुत इन्जॉय किए और मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड देन व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन आई वाज ब्लोन, इट वाज लाइक ये करके आई मैं, बिकॉज उसका ड्रामेटिक इफेक्ट इतना है और किसी ने आपको, और द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स कि उन्होंने आपको इतनी एफर्टलेसली आपसे काम कराया कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया. सत्रह मार्च को हॉटस्टार वीआईपी पे आपको स्पेशल ऑफ्स देखने को मिलेगी. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी प्लीज़ देखिए, बिकॉज हर चीज़ आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसका पोस्टर खुद देख लें, आई एम श्योर आप एक नहीं चार चार बार देखेंगे इसे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक्स. Not only the trailer, even the series is very promising, let me say that. And my character is beautifully written. It's has a lot of beautiful, delicate nuances. And the relationship which Himmat and Saroj have is just fantastic. I absolutely, thoroughly enjoyed playing this. And I got a chance to work with KK. Which is I think phenomenal, because he's such a big actor and he's got an immense body of work, so I was a little nervous, but he's really really very supportive and wonderful to work with. I loved it. Right. And also working with Neeraj sir, you know, and we
can expect something big from him, you know? Because not can, it is, when it's Neeraj Pandey, it's only big and it's only mammoth and it's spectacular, like you said in the trailer, visually and content-wise, it's going to be a blockbuster. And aapne apni shikayat to already kar di hai. Exactly. Kar liya, right? So I hope he takes it very seriously. I'm going to take him up for it. Because the second season wali baat aapne kahi hai, so kuch नहीं नहीं जी, मैंने ऐसे ही कहा, मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मैंने ये कहा, मुझे नहीं पता वेदर सीजन टू इज कमिंग ऑन नो, बट आई वांटेड टू एक्शन सो आई मेंशन इट, दैट्स इट. यस. ओके, सो टेल अस समथिंग अबाउट, यू नो, हाउ वाज इट वर्किंग विद अदर कास्ट, यू नो, मल्टी स्टार कास्ट, तो हाउ मच फन इट इज टू वर्क विद मल्टी. सी, फॉर अस इट्स फन बिकॉज इट्स वी आर सो मेनी ऑफ अस, बट फॉर द डायरेक्टर हु इज द यू नो द मेन एंकर ऑफ द शिप, oh my god, he goes crazy because we are so many of us, and but it was wonderful. It's got some all of them are phenomenal in their own respective spaces, and it was really really good. He had a tough time. Neeraj ji and Shivam sir had a tough time to control everybody. And also, you know, we are seeing you after a long after very long, you know? Yes, so after almost 2.5, I think 3 years, yeah, that's a long so time. What, yeah, what made you wait so long, you know? We really missed you. Thank you. That's so sweet of you. I feel very overwhelmed and feel very happy when I receive this kind of love. And no, it was not a conscious decision. It was just that, you know, my body of work has always been really, really strong. And I want to maintain that as much as possible. So the break was not conscious. It's just that I didn't get anything interesting enough for me to say yes to. Though I was offered a lot of work, but I consciously said, I'll wait, I'll wait. And thank God I waited, because had I not been free, I wouldn't have had this opportunity. So, you know, everything works for the best, I guess, at the end. कहीं ना कहीं आप भी बिजी रहे राम सर, काफी वेट लॉस किया और काफी सोशल मीडिया पे. उसमें मैं नहीं बिजी थी, वो बिजी थे, बिकॉज वो डाइट कर रहे थे और वो मैंने कुछ भी नहीं हेल्प की. तो पूरा बताया रहेगा कि ये करना है, वो करना है. बिल्कुल नहीं. आपको लगता है उनको देख के कि वो किसी की सुनते हैं? नहीं ना. नहीं ना, जस्ट जोकिंग. नो नो, ही इज़ डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ. उनके खुद का मोटिवेशन था, उन्होंने तय किया था कि उन्हें करना है, तो इसलिए उन्होंने किया. लोग पहचान नहीं पाए जब फर्स्ट फोटो आया तो. जी, मैंने भी नहीं पहचाना. नहीं तो कितना मोटिवेशन कैसा है, मतलब थोड़ा सा अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताए. राम सर तो बात राम सर तो बात नहीं करते हैं ना, तुम मुझसे बुलवा लो. अच्छा अच्छा है. नो, एक्चुअली ये उन्होंने तय किया था कि पर वो इतना बिजी थे काम में कि इतना ड्रास्टिक वेट लॉस करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए था. तो उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो एक साल तक कोई काम नहीं करेंगे, और उन्होंने वो किया और उसकी वजह से वो कर पाए. अभी इस साल उनके इतने सारे रिलीजेज़ हैं, आप देखेंगे तो इस साल वो ऐसा नहीं कर पाते थे. तो जो टाइम था एक साल, उन्होंने रखा था अपने फिटनेस के लिए, और आई थिंक इट वाज ड्यू, इट वाज ओवर ड्यू. आपने मेल की, यू नो, ऑल्दो यू आर सेइंग कि मैं कहीं नहीं थी, बट यू आर सो फिट बिहाइंड द रोटेशन. सी, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, यू आर, यू हैव नो चॉइस बट यू हैव टू बी फिट. आई मीन, यू नो, सो आपने क्या था, मतलब सलाह कुछ दी कि नहीं, मतलब खाने में मदद की रही, ये बनाती हूं? कपूर को खाने में सलाह कोई नहीं दे सकता, वो खुद करते हैं और वो खुद मोटिवेट अपने आप को करते हैं. मैंने सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया था, बिकॉज मैं लोगों को लगता है कि ये वेट लॉस करना या जो राम ने किया है वो बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेहनत, जो लगन, जो फोकस उन्होंने दिखाया है, मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, मैं भी नहीं कर सकती. क्योंकि वो एक साल तक मतलब उन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया है कि हम लोग सब हैरान रह गए हैं, मेरे बच्चे, मैं, और ही हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी एंड इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस. सो इट्स अमेजिंग, ही, यू नो, इट्स बीन वेरी वेरी टफ फॉर हिम, वेरी वेरी टफ, एंड वी नो वॉट ही हैज़ गॉन थ्रू. एंड लेट मी गिव क्रेडिट टू माई चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव रियली सपोर्टेड हिम इन दिस जर्नी. बिकॉज फैमिली के लिए बहुत टफ होता है व्हेन वन पर्सन इज गोइंग थ्रू सच अ फोकस्ड, यू नो, वेट लॉस. It's very tough. We didn't make any plans to go out. We couldn't eat outside and all, because, you know, he was so motivated that it was tough even for my kids. So ekta ma'am ne bhi tweet ki thi, to kya kehna chahenge isko leke, matlab ekta ma'am bhi kafi hairan ho gayi thi. ये ड्यू था, ये करना ही था उन्हें, आज नहीं तो कल ही होना ही था, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू लूज वेट एंड ही इज डन इट. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
expectations. The trailer looks so promising. Thank you, sir. Tell us something about your character and how promising the character is for you. If you've seen the trailer, he's an agent, jo chef ke avatar mein. I think he's one of the most layered characters of the series. Wo aap dekhenge to samjhenge. Chef bhi hai, aapne dekha to maar dhaad bhi kar raha hai. और कुछ और दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो क्विंटेंशियल बॉलीवुड हीरो करता है. सो नीरज सर के जो सबसे अच्छा होता है फिल्म्स में, हर एक कैरेक्टर स्ट्रांगली एज होता है. तो हम पांचों एजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगहों पे है. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड यू नो स्पेशली प्लेइंग द एजेंट, हाउ मच यू नो द प्रोसेस, व्हाट वाज द प्रोसेस यू वेंट थ्रू. सबसे पहले मैं साथ में तानाजी कर रहा था. आई वॉज प्लेइंग वन ऑफ द मेन गाइज इन तानाजी. तो वहाँ पे मैं तानाजी की जान बचा रहा हूँ, सैफ के खिलाफ प्लानिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देश को बचा रहा हूँ. सो द प्रोसेस वॉज फन. आप सोचते हैं ये एक हिस्टोरिकल है और एक वो है, और दोनों अपने अपने लेवल में. तानाजी 150 करोड़ की फिल्म है और ये सबसे बड़ी वेब सीरीज है. तो मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे मौका मिला. एक्शन की तैयारी करनी पड़ी. इनफैक्ट अगर आपने प्रोमो देखा तो आपने देखा होगा वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल में मैं मार रहा हूँ एक अंग्रेज को. और मुझे नहीं पता था कि मैं एक्शन में इतना अच्छा. मैं फिल्म्स में एक्शन कर चुका हूँ, मैं सीरियल्स में एक्शन कर चुका हूँ, लेकिन अब जब मैंने सिरिल रफेअली के साथ एक्शन किया तो मुझे लगा कि एक्शन मुझे सीरियसली प्रस्यू करना चाहिए. शायद मैं अच्छा बड़ा नाम बन सकता एक्शन. तो लर्निंग नाउ एक्शन, और बहुत बहुत मज़ा आया है करने में. जी खाना मुझे बनाना ना कभी कभी अच्छा लगता है. मैं खाने का पंजाबी हूँ, मैं टिपिकल दिल्ली से हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ. मैं ऐसे वाला हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार रात को क्या खाना है दिन के टाइम पे, और सुबह सोचता हूँ दिन में क्या खाना है, और उसके ऊपर अपने आप को फिट भी रखना पड़ता है. तो वर्कआउट करते हुए भी सोच रहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा, रात को खा लेता हूँ. और खाना बनाने का, कुछ चीज़ें बनाने का बहुत शौक है. तो आई थिंक वो मैंने अच्छी तरह यूज़ किया. कटिंग वटिंग थोड़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखे कि स्टाइल से कट करना. घर में तो वैसे भी काट लेते कई बार. तो कटिंग वटिंग का कुछ देखा, और कुछ तरह की डिशेज मुझे बनाने का शौक था. जो मैंने कुछ सीन्स देखेंगे तो उसमें मैंने वो किया है. काफ़ी मज़ा आया है. देखिए हमने सारे एक्टर्स को सुना होगा, हम नीरज पांडे जी के साथ बहुत खुश हैं. सबने ये सबने आके बोला होगा. मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन. तो मेरे लिए इट्स वाज अ ड्रीम कम ट्रू जब मुझे ऑफर हुआ था. और ऑन द सेट उनके अंडर काम करना वाज अ ड्रीम कम ट्रू. एक फ़ैन अगर अपनी ड्रीम पूरी कर रहा तो कैसा फील करेगा. सो दैट वाज द होल थिंग. यू वर्क विद अजय सर नाउ, और यहाँ पर मतलब कितना क्या एक्सपोजर मिला आपको. देखिए तानाजी का आज तक मुझे आपके प्रेस से मुझे इतने लोग आ रहे हैं, यार इतना बढ़िया रोल था आपका, हम आपको मैसेज किया, आपने पढ़ा. तानाजी हैज़ ओपन अनदर डोर फॉर मी. आप मुझे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तानाजी के लिए मिला था कि मेरी मराठी मेड से, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, कि भैया अगर आप नहीं होते सेकेंड हाफ में 10 मिनट में फिल्म ख़त्म हो गई थी. सेकेंड हाफ के 10 मिनट में आपने तानाजी को 2 बार बचाया, फिर उनके साथ प्लान करके उदय बान को हराया, तब जाके तो कोंडाना मिला. तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट में जहाँ लोग छोटे छोटे बड़े बड़े एक्टर्स दो दो सीन करते हैं, आप फुल फ्लेज प्राइमरी कास्ट प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने सबसे फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. मैं सुधीर मिश्रा स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से भी आता हूँ. ये सारी ज़िंदगी इरफान खान के साथ, इरफान भाई के साथ ऑपोजिट काम कर चुका हूँ, फिल्म कर चुका हूँ अर्जुन रामपाल सनी देओल में हीरो. तो कास्ट से ज़्यादा अच्छे एक्टर्स जो ये इतने सारे अच्छे एक्टर्स के साथ जो काम करने को और इनसे सीखने को मिलता है. लाइक अजय सर के साथ मेरा जो सीन था आंखों में हम दोनों डाल के 5 मिनट का सीन था, जिसमें 1 मिनट हम दोनों एक दूसरे की आंखों में गेज कर रहे होते हैं. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. अजय देखो उनके साथ आंख डाल रहे हो आप, सैफ जैसे कैरेक्टर जो इतने बढ़िया एक्टर्स के साथ कर रहे हो, और यहाँ पर हम नीरज पांडे जी के साथ काम कर रहे हैं. थैंक यू. I am playing the character of Avinash. He is the sniper. This is the first time that actually in Indian cinema that ki hum sniper ko dekh rahe hain, jo ek bahut intriguing role rehta hai. I think apne international films mein dekha hoga, foreign films mein, ki ek sniper ki badi ek mystery hoti hai. Lot of mystery attached to a sniper. Jab main dekhta tha mujhe bada interesting lagta tha ki matlab they do everything very edgy. So this is anyway is a very edgy series, thriller. और जब ये कैरेक्टर आता है तो यू इन दिस फिल्म इन द सीरीज़ यू गेट टू नो दैट कुछ होने वाला है. सो इट इज़ दैट द मोमेंट ही कम्स इन यू नो दैट ही इज़ गोना डिस्टर्ब थिंग्स, ही इज़ गोना यू नो कुछ होने वाला है. आपको समझ में आ जाता है जैसे इस कैरेक्टर की एंट्री होती कभी भी. तो इज़ अ वेरी एक्शन पैक्ड रोल.
तैयारी ये थी कि मैं पार्कोर करता था बीच पे फिल्मों के बाद भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था मगर आई वॉन्ट टू लर्न पार्कोर एक्चुअली सरल रफीली जो हमारे फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं उनकी वीडियोज़ देख देख के मैं पार्कोर सीखता था जब मैंने स्टार्ट किया था बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं थी फॉर्मल ट्रेनिंग तो मेरे साथ मेरे जो होते थे एक्चुअली लर्न विद रिक्शा वालाज और एक हमारा वो मैकेनिक था तो हम एक्चुअली साथ में प्रैक्टिस करते थे काफ़ी टाइम तक किया हड्डियाँ दौड़ाई अपनी तब जाके सीखा और वो सब काम आया और आई थिंक अभी आगे भी काम आएगा अभी तो उन्होंने देखा कि मेरे जलवे देखे हैं थोड़े से तो आई थिंक उनको थोड़ा वो यूज़ करेंगे सेकंड सीरीज़ में ज़्यादा सेकंड सीरीज की बात यू नो हमने गौतमी मैम से भी सुनी है आपसे भी सुनी जी प्लानिंग वगैरह कुछ चालू है देखिए साहब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कैसे रिसीव करते हैं कैसे इनको हमें कितना प्यार देते हैं जो आई होप कि हमारा हार्डवर्क वो डिजर्व करता है अगर करता है तो वी लव टू जी 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 एग्जैक्टली देखिए नीरज सर का एक एक्टर के लिए ड्रीम होता है कि उनके साथ काम करे मैं बहुत पहले उनसे मिलने गया था तब 18-19 साल का बच्चा था वेनेसडे के बाद तो नीरज सर ने कहा थोड़े बड़े हो जाओ तब मेरे पास तो तो मैं चला गया था ऐसे ही तो बहुत स्वीट है बहुत प्रोफेशनल हैं एंड आई होप कि मैं उनकी हर फिल्म में हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए एंड आई होप ही फाइंड्स मी वर्दी एज एन एक्टर टू एक्चुअली गिव मी वर्क इन ऑल हिज फिल्म्स ही इज जस्ट अ कंप्लीट डायरेक्टर ऑन सेट्स ऑफ सेट्स उनका जो डिमीनर है एज अ पर्सन आपने देखा कितने स्मार्ट हैं कितने विटी हैं तो उसमें एक इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू वर्क विद हिम टू वर्क विद शिम सर इज सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग टैलेंटेड पीपल मतलब आई डोंट नो यार मेरे एक बहुत अच्छी किस्मत थी कि उनके साथ काम करने के लिए मिला जी देखिए मैं एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद मैंने ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं डेब्यू से पहले मेरा धोखा में डेब्यू होता है उसके बाद मैंने ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं उससे पहले तो जब नहीं होता तो नहीं होता उसमें कुछ नहीं कर सकते स्पेशली विद कितने वो स्टार सन्स आ गए और मतलब मेरे साथ इतने सारे लॉन्च हुए थे टू फाइंड योर स्पेस इन दैट वाज सो डिफिकल्ट तो विद द काइंड ऑफ पीआर दे हैव बिहाइंड देम एंड ऑल द मेरे फैंस मुझसे पूछते हैं कहाँ हैं तो आई वांट टू आंसर यू ऑल फ्रॉम दिस आई एक्चुअली वाज वर्किंग वेरी हार्ड बट इट जस्ट दैट डिडंट फेल इन प्लेस वो कंप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा एक्टर वैसा एक्टर स्क्रीन पे वी डोंट सी यू वी सी दैट यू हैव टैलेंट इन एवरीथिंग बट एक स्टार के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व उनका पीआर उनकी फैमिली जो हमारे पास नहीं थी बट एक परसिवरेंस थी और एक ड्रीम थी और दोनों हमने नहीं छोड़ी तो अब इसके बाद ऑप्शन देखने मिलने वाले हैं इंशाल्लाह आप होप कीजिए ऐसा मत पूछिए कि देखने वाले हैं आप होप कीजिए अगर आप आई रियली होप फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह या थैंक यू सो मच थैंक यू For that you have to watch the show but I'm sure people will love it because it's a lot of action I'm doing a lot of action for the first time I'm playing a secret agent for the first time so it's been a very exciting journey and very satisfying journey as an actor I've enjoyed every bit of it and I'm sure you can see it from the trailer that the trailer looks very intriguing people have loved it so far and I'm sure when this will release people will love it more and this Yes, yes. How difficult was it for you to play an action role? See, playing this character was not difficult, but doing action was very difficult. Like, you know, because she's a very simple person, the character is very simple, but when it comes to her job, you know, saving the country, when it comes to her job, she goes mad. She's like, okay, I will do whatever it takes to, you know, save my country. So, yeah, that switch is there. Action bit was very very difficult because we went for Krav Maga it's a martial art it's a form of martial arts and we went for training for 3 months and in that training I had to actually because I had to tell myself that I'm a very strong person that's why I can beat the shit out of any freaking terrorist so I had to tell myself every day when I used to leave for the training I had to you know literally feed myself that I am strong and I can actually hit anybody when it comes to my job so that thought you know used to, I used to keep repeating it to myself it went into my subconscious mind
and what happens is when it, you know, you start performing, even if you're not trying to prove anything, because it's there in your subconscious mind, it will show on your face. So that's how we used to train. And then of course with the action sequence, we train again for 20 days just before the shoot. Like 20 days before the shoot, we used to train the action for like 9, 10 hours to get that body language right, which is the most difficult part. How confident did this role made you to, you know, further play an action role in some movie or in any series? See, it's made me very confident in terms of doing action, not only doing action, but also I feel much more stronger today because I am more committed to making myself fit. I'm more committed to myself, to make myself stronger mentally and physically. And you know, I don't know, but this show has inspired me a lot in that sense. I was always a weightlifter. I can pick up really heavy weights, but action is something ki bhai phatti hai aapki 2 minute karne se pehle aapko lagta hai ki bhai galti kar li sign kar gaye marne wale ho tum. To wo that fear, chot bhi lagi thi right hand pe khatarnak, aur I us sequence se pehle sequence ke pehle shot mein chot lag gayi thi. तो आई वाज लाइक शिट गया, काम खत्म हो गया, अभी मेरे को नीरज सर बोलेंगे किसको गास कर लिया. तो वो दैट फियर इज ऑलवेज देयर, बट आई फील टुडे दैट गुड आई डिड दिस वेब सीरीज बिकॉज इट्स टोल्ड मी दैट इफ आई कैन डू एक्शन, यू नो, एक्सेप्ट फॉर व्हाट आई डिड बिफोर, हाउ पीपल सेड दैट दिस इज व्हाट शी कैन डू, बट आई विल नाउ दिस प्रूव देम रॉन्ग दिस टाइम, बट आई कैन डू एक्शन. एंड द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आई एम गेटिंग, पीपल आर सेइंग it's come out very well, but then again that's for the audience to decide. But yes, I feel much stronger mentally and physically. And congratulations for both as well. Tell me, like, how, what kind of response are you getting for them? Box office collection also doing very well. I have no comments on that. Are you disappointed? No comments on that. Why, ma'am? Like your expression, something happened wrong. I wouldn't want to comment on that. Please, next question. Wrong? No, let's go for next question. You can share what happened wrong with you. I don't think it doesn't deserve any explanation. If you will not share it, will happen very wrong. I'll share it when it's the right time. Not that Karan Johar has cut the sleeves. No, I don't think I can answer that. Yes. Okay, so besides this, you know, tell us something more about this series, you know, working with a multi-starring cast. Yeah. How is it, you know, how much advantage or disadvantage it is to work with a multi-starring cast? Oh, there's no disadvantage. You enjoy. You're working with so many people, you know, there's a huge cast and you have fun on sets. ऐसे लगता है कि हम सेट पे बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पर हमने तो बहुत फन किया है. वी वर इन जॉर्डन, वी वर इन बाकू, वी हैड फन. सो देर इज़ नो डिसएडवांटेज. एडवांटेज है इनफैक्ट के यू नो यू गेट टू लर्न फ्रॉम यू नो सीनियर पीपल लाइक दिस के सर, दिस दिव्या, दिस पीपल हु हैव डन गुड वर्क बिफोर. सो यू लर्न अ लॉट, एंड ऑफकोर्स फ्रॉम नीरज सर एंड शिवम सर हैव लर्न सो मच. Somewhere or the other, it's negative, you know, where you are seen as a positive character, but then there's a surprise with a negative character. Tell me, like, how comfortable are you playing a negative character? I'm very comfortable. I always would love to portray the darker side. You always have two faces, and we always show our positive face. We always show the brighter side. We never show our dark side. I am very interested in the dark side. I would love to explore that, you know, explore that genre, the darker part of it. The, you know, I was just saying earlier also, I would love to play a witch. I would love to play a possessive wife. I would love to play a psychotic character. I like, because it needs a lot of layering, and I love characters with layerings. I would love to explore those layerings, you know. So do you think somewhere or the other you haven't got that kind of role yet? Because I don't think I've got something like that till now. I mean, and I haven't got any psychotic character or, you know, a witch character. I would love to play a witch. Thank you so much. Thank you so much. बहुत ही सीधे साधे से दिख रहे हैं, लेकिन है बहुत ही बड़ा कैरेक्टर. टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट. ये किरदार का नाम है हिम्मत सिंह, और वो चीफ एनालिस्ट है, RANW में काम करते हैं, और उनकी अपनी एक थियोरी है.
जो एक पॉइंट के बाद किसी को विश्वास नहीं होता कि वो थियोरी सही है या गलत है, लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है ये हो, लेकिन वो लगा रहा उसमें 19 साल तक लगा रहा, और 19 साल के बाद क्या वो थियोरी सच में निकलती है या नहीं निकलती ये कहानी है। उस दौरान क्योंकि 19 साल की जर्नी है, वो किस प्रकार से वो आदमी अकेला पढ़ने के बावजूद वो चीज़ पे लगा रहा, ये कहानी है। और इसका स्केल बहुत बड़ा है इस सीरीज़ का, जो आपको ट्रेलर में दिखाई देगा कि बहुत बड़ा है, और एक मैग्नम ओपस काइंड ऑफ फीलिंग आएगा आपको, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया में उस प्रकार की वेब सीरीज़ नहीं आई है। तो प्लस नीरज पांडे की राइटिंग है जो बहुत ही टाइट है, बहुत ही उनकी राइटिंग में एक क्षमता ऐसी होती है कि सीरियस मामले में भी हल्का सा एक ह्यूमर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, जहाँ तक कास्ट एंड क्रू है बहुत शिद्दत से काम किया हम लोगों ने, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यंग लग रहा है अभी, क्या यंग नहीं लग रहा हूँ क्या मैं? देखिए मैं एक्सपेक्टेशन वाला आदमी हूँ नहीं, फल की इच्छा कम करता हूँ, कर्म किया जा करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा कर्म है उसको मैं बहुत ही ऑनेस्टली और ट्रूथफुली पेश करूँ, और एक बार वो हो जाए बाकी ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से लोग उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन इतना है कि हमने कोई मतलब यू नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो हर चीज़ पे काम किया हुआ है और वो आपको सीरीज़ में दिखाई देगा। आप हंस रहे हैं, बताइए क्या करो। ये मुद्दा जो है ये अभी फ़िलहाल इस स्पेशल ऑप्स का मुद्दा नहीं है, तो हम स्पेशल ऑप्स का मुद्दा पे आते हैं बाद में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो किरदार निभा रहा हूँ, मैं उस इंसान को निभा रहा हूँ, तो मुझे उस इंसान को सही तरीके से पेश करना ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है। तो एज एन ऑडियंस आपको लगता होगा कि ऑनसेंबल है और ये है, हर किरदार जो इस स्पेशल ऑप्स के अंदर है उसकी अपनी एक भूमिका है और उसको निभाना बहुत ज़रूरी है सही से, और इस तरह से सभी लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को उसी तरह से निभाया हुआ है, तो इसीलिए सब जोड़ करके आपको एक मैग्नम ओपस दिखाई देता है। एक चीज एक चीज उठ के आएगी कि बहुत बेहतरीन सीरीज है। मेरा कोई मंत्र नहीं है, मैं काम करता हूँ फिटनेस पे, तो मंत्र इतना ही है कि आप मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और आप जहाँ तक मेंटल स्पोर्ट्स हैं वो मैं थोड़ा सा पढ़ वढ़ लेता हूँ और फिजिकल स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, तो फिटनेस का राज वही है, और जितना आप अपने आप को एक तरह से दिया गया है ना आपको इसका सब कुछ, तो आप उसको ग्रांटेड मत लीजिएगा, तो उस पर थोड़ा काम करिएगा, आपको खुशी होगी खुद ही अंदर से, तो वो ज़रूरी होता है, और बस वही है। हर किरदार मेरे लिए अलग होता है, क्योंकि मैं किरदारों को निभाता हूँ, मैं रोल्स को नहीं निभाता, रोल्स बहुत सीमित होती हैं, 25,000 रोल्स होंगे, एक कॉप होगा, कोई रॉ होगा, फिर कोई प्रोफेसर होगा, कोई लॉयर होगा, वो सीमित है, लेकिन मैं इंसान को पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो हिम्मत सिंह को पेश करने की कोशिश कर रहा था मैं इसमें, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हर इंसान अलग होता है इस दुनिया के अंदर, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है, वो इंटेंशन से नहीं कि मुझे कुछ अलग करना है, नहीं, मैं उस इंसान को अगर आप पेश करोगे तो अपने आप अलग हो जाएंगे। हिम्मत सिंह के साथ तो मेरे आईने में हुआ था, जब मैं शूटिंग कर रहा था, जब आईना सामने आया तो मैंने कहा अच्छा ये हिम्मत सिंह है। लेकिन कोई और? कोई और से नहीं हुआ ना, क्योंकि हिम्मत मैंने जैसे मैंने कहा कि एक ही हो सकता है हिम्मत सिंह, एक हिम्मत सिंह हो सकता है जो रॉ का हो, अगर हिम्मत सिंह नाम का बंदा रॉ में काम कर रहा हो, और एक हिम्मत सिंह है जो लॉयर हो, तो मैं लॉयर और रॉ नहीं परफॉर्म करता हूँ, मैं हिम्मत सिंह को परफॉर्म करता हूँ। Thank you so much. Thank you.